प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से फिजिक्स पढ़ाना। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग सीधे धारावाहिक तार के कारण, अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किए थे, आज हम लोग को पढ़ना है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि धारावाही परिनालिका जब रहेगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि परिनालिका क्या होता है, तो उसके बारे में कुछ चीज है उसको हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, किसी बेलन की सतह पर लंबे सुचालक तार को सर्पिल की आकृति में लपेटकर परिनालिका बनाई जाती है। उसके नेक्स्ट एरो में लिखेंगे, बेलन की लंबाई उसके वृत्तीय काट की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है तथा प्रत्येक फेरा अपने निकट वाले फेरे से काफी सटा हुआ होता है। और थर्ड एरो लिखेंगे थर्ड एरो, तार पर एनेमल, बताते हैं क्या होता है, एनेमल की परत चढ़ी रहती है ताकि वे एक दूसरे से विद्युत रोधित रह सके। चलिए, तो जो लिखे हैं अभी सबका मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले धारावाही परिनालिका में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तो हम लोग प्रूफ करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि परिनालिका क्या है। तो परिनालिका का मतलब एक ऐसा बेलनाकार एक पाइप होता है जिसपे तार को लपेटा जाता है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक वायर है, एक तार है जो बिल्कुल लपेटा गया है आसपास गोले गोले, यानी कि चारों तरफ, यानी कि एक तार को चारों तरफ लपेटा गया है किसी बेलनाकार पाइप के ऊपर, और उसको इतना आसपास सटाकर लपेटा जाता है तभी परिनालिका बनता है। यानी कि परिनालिका का डेफिनेशन क्या है, परिनालिका का डेफिनेशन यह है कि किसी भी बेलनाकार पाइप के ऊपर किसी भी तार को चारों तरफ से लपेटना परिनालिका कहलाता है, राइट। अब परिनालिका में जो चारों तरफ से लपेटते हैं, देख पा रहे होंगे कि जो परिनालिका की लंबाई होती है तो पाइप की लंबाई होती है यहां से लेकर यहां तक, अगर ये परिनालिका है तो ये लंबाई हो गया। यानी कि जो त्रिज्या रहेगा, यानी कि बेलन का त्रिज्या जितना होता है उसके अपेक्षा बेलन की लंबाई बहुत अधिक रखना पड़ता है तब जाके परिनालिका बनता है। यानी कि परिनालिका का एक कंडीशन है कि जो बेलन का त्रिज्या होगा ना उससे कई गुना ज्यादा परिनालिका का लंबाई होना चाहिए, राइट। फिर लास्ट टर्म एस लिखे हैं कि चूंकि बेलन के ऊपर जो हम लोग तार लपेटते हैं उसको बिल्कुल सटा कर लपेटते हैं, हालांकि उसके पहले उस तार को एनामेल एक पदार्थ है जिसको तार के ऊपर लगाया जाता है। ऐसा लगाने से जब तार पास सटता है तो एक विद्युत रोधी का काम करता है। जैसे कि एक वायर के अंदर ऊपर अंदर तो तार रहता है और ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है, तो प्लास्टिक का कवर क्या काम करता है, उसको विद्युत रोधी का काम करता है। यानी कि जब हम लोग छूते हैं तो करंट नहीं मारता है। वैसे ही एक पदार्थ का नाम है छात्रों, जिसका नाम है एनेमल का करता है। तो एनेमल का काम है किसी भी तार के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो उसको पास रखेंगे तो उसमें एक विद्युत रोधी का काम करेगा, जैसे कि एक प्लास्टिक का कवरिंग का काम करता है। इसीलिए हम लोग जब पास लपेटते हैं तो एनेमल का पदार्थ का एक पदार्थ है जिसको लगाकर हम लोग पास लपेटते हैं। अब जैसे कि एक परिनालिका है, ऊपर से हम लोग तार को लपेटे हुए हैं, जैसे ही तार में अगर आई करंट पास करेगा, विद्युत धारा पास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक, हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र।
ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन इधर से इधर है। अब आप देख पा रहे होंगे ये डॉट है और ये क्रॉस है। डॉट और क्रॉस का मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र मेरे तरफ आ रहा है, जब मेरे तरफ आएगा तो एक नोक जैसा दिखेगा, इसलिए हम इसको डॉट किए हुए हैं, और जब इस तरह से मेरे तरफ से जाएगा तो एक क्रॉस, यानी कि जब तीर का निशान देखते हैं ना, तीर ऐसे ही ना होता है, तो जब मेरे तरफ आएगा तो एक बिंदु के तरफ दिखेगा और जब इधर से जाएगा तो एक क्रॉस के जैसा दिखेगा। तो यहां पे क्रॉस का मतलब क्या कि इधर से जा रहा है, और डॉट का मतलब क्या चुंबकीय क्षेत्र उधर से आ रहा है, यानी कि जहां से आ रहा है जहां से जा रहा है उसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, इस चीज को दिखाया गया। यानी कि जहां से मेरे तरफ से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है वहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और जहां से आ रहा है उसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो अंदर अंदर लाइंस है, और ये बहुत बड़ा रेडियस में चुंबकीय क्षेत्र होता है, हालांकि ये हमें दिखता नहीं है, ऐसा एज्यूम किया गया है। तो इस फिगर को उसके नीचे बहुत बढ़िया से बना लेना है, यानी कि ये एडिटिंग यानी कि आपको अच्छा से करना है। अक्सर परिनालिका में पूछेगा तो ये फिगर आपको बनाना ही बनाना है, कि परिनालिका से आप क्या समझते हैं, तो उसका डेफिनेशन देके आप फिगर को बना देंगे तो टू दी पॉइंट हो जाएगा आपका काम। तो चलिए, अब ये तो परिनालिका है, अब उसके नीचे हम लोग प्रूफ करने के लिए कुछ मानते हैं, तो फिगर के नीचे लिखेंगे माना कि परिनालिका में प्रवाहित धारा कितना है I, यानी कि अच्छा एक काम हम लोग छूट गया, ये पी बिंदु है जिस पर, देखिए पी बिंदु कहां है तो परिनालिका से बाहर। याद रखिएगा कि जब भी परिनालिका से बाहर कोई बिंदु रहेगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? तो परिनालिका के अंदर होता है, परिनालिका के बाहर नहीं होता है। परिनालिका के सतह पर होता है लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। इसीलिए यहां पे पी बिंदु है जहां पे बी का मान कितना है? जीरो है। बी का मान बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, राइट। तो याद रखिएगा कि परिनालिका के बाहर कोई बिंदु पर बी का मान कितना होता है? बिल्कुल जीरो होता है। अब उसके नीचे कुछ माने हुए, माना कि परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान क्या है? आई, यानी इसमें आई करंट दे रहे हैं। फेरों की संख्या कितना है? एन। फेरों की संख्या मतलब लपेटों की संख्या, कितना बार उस तार को लपेटे हैं उसका मान है कैपिटल एन। परिनालिका का लंबाई एल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का लंबाई एल मान है, तथा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन। देखिए ये हो गया फेरों की संख्या कैपिटल एन, लेकिन पूरा में जैसे पूरा परिनालिका है उसमें अगर लपेटेंगे तब वो एन है, लेकिन एकांक लंबाई का मतलब एक यूनिट में कितना लपेटा है उसको हम लोग छोटा एन माने हुए हैं, और छोटा एन का वैल्यू कैपिटल एन बटा एल है। तो ये सब सारा चीज माने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो इसके आगे जो भी हम लोग परिनालिका का फिगर देखे जो आप बनाए भी होंगे उसी को आधा काट कर यहां पे लिखा हुआ है। जैसे मान लिया कि एक बेलन है और एक बेलन को बीचों बीच काटेंगे तो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा और उधर से ऐसा नजर आएगा, मतलब कि एक बेलन को आप बीचों बीच काटिए तो सामने का भाग कटा हुआ ऐसा नजर आ रहा है। यानी कि हम जो प्रूफ करने के लिए है उसके लिए फिगर उसको आधा आधा काट कर लिया जाता है। हम उसके फिगर को काट लिए हैं, ये डॉट डॉट बता रहा है कि उधर से चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और क्रॉस बता रहा है कि इधर से जा रहा है। अब यहां पे जो अंदर अंदर जो लाइन गुजरा हुआ है ये सभी क्या है? तो ये सभी चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि बी का मान दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर गुजर रही है, और इसी बीच आपको चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक तरीके का परिनालिका है, हालांकि परिनालिका का ये फिगर नहीं है, ये व्यंजक प्राप्त करने के लिए फिगर है। तो अगर आपको बोलेगा कि व्यंजक प्राप्त कीजिए परिनालिका के लिए तब आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा उसके साथ साथ, लेकिन अगर आपको बोलेगा कि परिनालिका के बारे में बताइए तब आपको इसके पिछले वाले फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रूफ करने के लिए उसको आधा कट करके लिए हैं। अब उसको आधा कट करने के बाद एक चीज और मानना पड़ेगा जिसका नाम है एम्पीरियन लूप। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, क्या है एम्पीरियन लूप? तो एम्पीरियन लूप, जैसे कि मान लिया कि एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए एक लूप की आवश्यकता होती है परिनालिका में प्रूफ करने के लिए, उसी को बोला जाता है एम्पीरियन लूप।
अब एम्पीरियल लूप का मतलब क्या है ये देख पा रहे होंगे, ए बी सी डी एक तरह का चार पॉइंट से लिया हुआ है और यही एक चारों तरफ से लूप बना रहा है। लूप का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसका नाम है ए बी सी डी। और इसका एरो इधर से इधर क्यों है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू इधर है, और अगर एम्पीरियल लूप में घूमेगा तो यहां से ऊपर जाएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, फिर से ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। यानी कि एक तरीका एबीसीडी एक एम्पीरियल लूप लिए हैं जिसका लंबाई क्या माने हैं एच, ये छोटा एच है। अब जरा इसको प्रूफ करते हैं आगे, तो उसके फिगर ये बनाइएगा, उसके नीचे ये चीज लिख लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं। अब प्रूफ करने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, एम्पीयर के परिपथीय नियम से चलना पड़ेगा, परिपथीय नियम से। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या बोलता है प्यारे छात्रों, कि आप करो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, यही ना होता है। लेकिन यहां पे जो एम्पीरियल लूप के लिए इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा, तो ए बी सी डी, यानी यहां पे लिखेंगे यहां लूप कौन सा है, तो ए बी सी डी है, लूप का नाम ए बी सी डी है। और कुल धारा, कुल धारा जिसको हम लोग आई बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए एकांक लंबाई के लिए हम लोग छोटा एन का इस्तेमाल करते हैं, एकांक लंबाई, इसके पहले हम लोग जो माने हुए थे एकांक लंबाई एन और इसका लंबाई कितना है एच, तो एकांक लंबाई चूंकि एन है और उसका लंबाई हम माने हुए हैं एच है, ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, यानी कि एकांक लंबाई का वैल्यू एच है और एच में फेरों की संख्या कितना है एन है, तो कुल धारा कितना होगा, तो एन एच इंटू आई। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा एन क्या है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और वो लंबाई कितना है एच माने हुए हैं अभी, इसलिए एच को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कुल धारा निकालना है तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन एच आई मेरा कुल धारा हो गया। तो अब लिखेंगे उसके नीचे, अब एम्पीरियन लूप को दिखाने के लिए यहाँ पे सर्किल देते हैं, सर्किल का मतलब कि एक लूप बन रहा है, एक चारों तरफ का घेरा बन रहा है जिसका नाम क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी लूप है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई का मतलब कितना एन एच आई, कुल धारा एन एच आई। अब जरा इसका मतलब समझते हैं कि आखिर एबीसीडी जो लूप है उसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एबीसीडी को लिखने के लिए पहले छात्रों इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ए से लेकर बी तक के डी डॉट डीएल करेंगे, ए से लेकर बी, क्योंकि ए से बी जाएंगे फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो इसका नाम होगा ए से बी प्लस बी से सी बी डीएल प्लस फिर सी से डी बी डीएल, फिर सी से तो डी हो गया, अब डी से वापस ए आएंगे तभी ना लूप बनेगा, तो यहां हो जाएगा डी से ए बी डीएल बराबर कितना म्यू नॉट एन एच आई। तो इस तरीके से बनेगा, यानी कि एबीसीडी जो है उस लूप को हम लोग तोड़ दिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तभी ना एक लूप बनेगा। तो अब यहां पे हम लोग लूप का इस्तेमाल कर लिए हैं, अब सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आप बात को समझिए कि अब हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन है, जरा समझिए। अब बी डी एल है, ए से बी है, तो यहां पे बी डी एल का मतलब ये हुआ कि बी बाहर आ गया, तो बी जैसे ही बाहर आ गया तो डीएल का इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक डीएल, राइट, प्लस प्लस यहां पे जो अब हम लोग काम करते हैं ना बी डीएल, हमको पता है ए डॉट बी का होता है फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, याद रखिएगा। इस केस में बी को बाहर निकाल लेना होता है, ए से लेकर बी तक के केस में बी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन ए से बी तक। अब इसको लिखेंगे बी से लेकर सी तक, और बी डॉट डीएल को यहां पे इस्तेमाल करते हैं कौन सा फार्मूला ए बी कॉस थीटा,
देखिए आपको ये लग रहा होगा प्यारे छात्रों सर यहाँ पे इस्तेमाल क्यों नहीं किए, तो अगर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर हम लोग को व्यंजक प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो जो काम करते हैं ना उस प्रूफ को याद भी रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम बी को बाहर निकालेंगे, डीएल बचेगा ए से लेकर बी तक। अच्छा प्लस यहाँ पे बी डॉट डीएल है तो इसको लिख सकते हैं बी डीएल कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है, तो बी डीएल का होता है बी डीएल कॉस थीटा। फिर देंगे प्लस, जब इसको मिटाते हैं तो यहां देंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे तो सी से डी, सी से डी बी डीएल है तो यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे बी डीएल कॉस थीटा। प्लस यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे डी से ए बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एच आई। चलिए अब जरा सबका यूज करते हैं। अब इसको हम लोग लेकर काम करेंगे तो बी का तो बी है और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है एल, डीएल का होता है ए एल, लेकिन एल कहां से कहां तक तो ए से लेकर बी तक। देखिए ए से लेकर बी तक और ए से बी तक का लंबाई कितना है एच, ए से बी तक का लंबाई जो है वो एच है तो यहां हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू एच। आगे का आगे के स्टेप में लिखेंगे, फिलहाल प्लस तो प्लस बी से लेकर सी तक बी डी एल, बी से सी तक कितना कितना डिग्री एंगल बन रहे हैं यहां पे प्यारे छात्रों, बी से लेकर सी तक 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90। प्लस सी से डी, तो सी से डी चूंकि ये क्या है ये बिंदु बाहर है, दिख पा रहा होगा आप यहां पे ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा कि बी डी एल सी से डी तक ये कहां है तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिनालिका है परिनालिका से बाहर है सी डी, तो परिनालिका से जब बाहर होता है तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कितना लेते हैं जीरो लेते हैं। अब इसके पहले हम लोग पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर बिंदु पी था वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जा रहा था। तब आप बोलेंगे कि सर क्यों ना तब एम्पिरियन लूप को यहां पे ऐसे ले लेते हैं, तो अपने हिसाब से नहीं लिया जाता है, प्रूफ करने के लिए जहां से जहां तक एम्पिरियन लूप बोलेगा या जहां से जहां तक लेना पड़ता है वहीं से वहीं तक प्यारे छात्र लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप अपने तरीके से यहां तक भी एम्पिरियन लूप ले लें फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पे चूंकि सी से डी तक के जो एरिया है वो बाहर है तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना जीरो, प्लस फिर डी से ए इसको पुट कर दीजिए बी डी एल, यहां पे देखिए डी से ए, डी से ए तक के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90। यहां पे आप बाहर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आधा पार्ट बाहर है आधा पार्ट अंदर है, इसलिए इस डी पॉइंट को स्पेशल नहीं बाहर मानना है चाहे अंदर मानना है, क्योंकि डी से लेकर ए तक के देख रहे हैं कुछ परिनालिका में है कुछ परिनालिका के बाहर है, इसलिए इसको जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो यहां लिखना होगा कॉस 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि डी से ए तक के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर म्यू नॉट एन एच आई। चलिए अब इसके जगह पे तो समझ रहे हैं अगले स्टेप में कि बी एच क्यों लिखे हैं, क्योंकि ए से बी तक के लंबाई कितना है ए से बी तक का जो एल का वैल्यू है वो एच है। प्लस हम लोग जानते हैं कोस 90 का वैल्यू कितना होता है जीरो, तो जब यही जीरो हो गया तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना जीरो, प्लस ये वैल्यू ऑलरेडी जीरो है और यहां भी वही है कोस 90 का वैल्यू जीरो, तो जीरो को हर संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो, तो सबका मान जीरो बराबर कितना म्यू नॉट एन एच आई। अब यहां पे सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, फिगर आप बना लिए होंगे। तो अब जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो कैसा मिल रहा है, तो बी एच, बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि जीरो इसमें ऐड करेंगे तो बी एच को जीरो जीरो ऐड करेंगे तो बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एच आई। अब हमें चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है ना, तो यहां से क्या होगा एच को इधर डिवाइड करेंगे तो एच को डिवाइड करेंगे तो एच और एच कट जाएगा, इसलिए बी बराबर म्यू नॉट एन एन आई, ये होगा हम लोग का प्रूफ। लेकिन प्यारे छात्रों हम लोग पहले मान चुके हैं कि छोटा एन क्या है तो एकांक लंबाई ना है, छोटा एन क्या बता रहे हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो इसके जगह पे हम लोग
पहले ही फार्मूला मान चुके हैं कि एन बराबर होता है एन बटा एल, तो इस एन के जगह पे रखेंगे तो अतः कैपिटल बी का वैल्यू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। प्यारे छात्रों यही है वो चुंबकीय क्षेत्र जो धारावाही परिनालिका के लिए है, तो यहां लिखेंगे धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र, और यह वही फॉर्मूला है जो धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। याद रखिएगा B बराबर म्यू नोट इंटू एन बाई एल इंटू आई। म्यू नोट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर। एन का मतलब कुल फेरों की संख्या, जितना फेरा रहेगा। एल का मतलब टोटल लंबाई, परिनालिका की लंबाई, और आई का मतलब विद्युत धारा। तो आज हम लोग प्रूफ किए प्यारे छात्रों परिनालिका को लेकर। अब अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।